वहीं सभी दलों की बैठक के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने पीएम मोदी के सामने गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर अपने अनुभवों के आधार पर राजनयिक समाधान के लिए अपने विचार रखे। शरद पवार ने बताया कि भारत के रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने चीन का दौरा किया था और चीन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1993 का समझौता 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पहला शांति प्रयास था। मुझे याद है, शायद इसके बाद ही उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी की एक विजिट हो गई और इसमें कुछ एग्रीमेंट हो गया, जिस एग्रीमेंट में अभी जहाँ इंसिडेंट हुआ था उस एरिया में भी शांति रखने की जिम्मेदारी दोनों देशों ने की थी, ऐसे मुझे याद है। भारत की नीति साफ थी, हम शांति चाहते थे। चीन के मसले पर हुई सभी दलों की बैठक के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ किया कि उन्होंने चीन के साथ सभी तरह के व्यापार बंद करने की मांग की है। चिराग पासवान ने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि हमें पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और सही समय पर वो सही फैसला लेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी को आपदा को अवसर में बदलना आता है। बात करते हैं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से। चिराग जी, सर्वदलीय बैठक हुई इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के ऊपर, किस तरह से आपने तमाम चीज़ों को देखा, सभी पार्टियों की तरफ से क्या कहने को मिला, प्रधानमंत्री ने क्या कहा और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मुझे खुशी है कि तमाम जितने भी दल थे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल के लिए ही उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ना सिर्फ सबको साथ लेकर बल्कि सबको विश्वास में लेकर उन्होंने आगे चलने की ये पहल की है। एक सुझाव रखा है कि आयात, हर उस चीज़ का, हर उस अनावश्यक वस्तु के आयात पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अब छोटी बड़ी हर चीज़ हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, छोटी छोटी वस्तुएं, हद तो तब हो जाती है जब भारत के देवी देवताओं की मूर्तियां भी हम लोग देखते हैं कि वो चाइना से ही बनकर आती है। तो इसका आग्रह हम लोगों ने ज़रूर प्रधानमंत्री जी से किया है कि उसके आयात पर संभवतः रोक लगानी चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने को बल मिलेगा, बल्कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आर्थिक प्रहार चाइना के ऊपर होगा।